हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने किसी भी रैशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं ये सीखा था। आज हम सीखेंगे कि किसी भी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। किसी भी पहले एक बेसिक सी चीज़ देख लेते हैं, होता क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। कोई रैशनल नंबर है a अपॉन b, ठीक है, एक रैशनल नंबर ये, इसके साथ हम कौन सा रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करें ताकि दोनों का प्रोडक्ट जो है 1 आ जाए, ठीक है, ये करना होता है। क्या करना होता है हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए? एक क्वेश्चन में एक रैशनल नंबर गिवन होगा और बोलेंगे कि उस रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालिए आप। तो क्या करना होता है हमें, उस रैशनल नंबर को हमें एक ऐसे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है ताकि दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम p की वैल्यू अगर b रख दें और q की वैल्यू a रख दें और क्वेश्चन में रैशनल नंबर क्या गिवन है, a अपॉन b, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो क्या बन जाएगा, नेट 1, जो कि हमारे इसके बराबर होगा। यानी कि अगर हमें कोई रैशनल नंबर गिवन है a अपॉन b, तो उसका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, b अपॉन a। आई बात समझ में? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, जो रैशनल नंबर गिवन है उसको उल्टा कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। बेसिक कंसेप्ट यही होता है कि एक रैशनल नंबर क्वेश्चन में गिवन है, हमें एक ऐसा रैशनल नंबर पता करना है ताकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें 1 दे दे। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का फंडा है, जो भी आप समझ सकें, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कोई भी रैशनल नंबर गिवन है a अपॉन b, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, b अपॉन a। एग्जांपल देख लो आप, जैसे कोई रैशनल नंबर है 5/7 और इसका रेसिप्रोकल पूछा या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा है, तो क्या हो जाएगा, 7/5, ठीक है। एक और देख लो आप एग्जांपल, मान लो 9/10 दे रखा है, ठीक है, इसका अपन को प्रोडक्ट क्या करना है, 1 करना है, तो -1 × -1 क्या होता है, +1, ये तो पता होगा, ये माइनस साइन है तो अपन को यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाए, 10/9, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। आइए कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, -1/5, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है हमें पहले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर है इसको न्यूमरेटर बना दो, इसको नीचे लिख दो और माइनस साइन हमें लिखना पड़ेगा ताकि दोनों का प्रोडक्ट हमें 1 दे दे, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। एक और एग्जांपल देख लो, माइनस की देख लो ज़्यादातर, -9/5, क्या करना पड़ेगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का, नीचे वाले को ऊपर लिख दो, ऊपर वाले को नीचे लिख दो और माइनस साइन एज इट इज, ठीक है, ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एक एग्जांपल देख लो, 11/13, इसका निकालना होगा हमें, तो क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर कर दो और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया, ठीक है। आगे समझ में? एक बार हम रिवीजन देख लेते हैं। किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है हमें, तो हमें क्या करना होता है, हमें एक ऐसे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है ताकि दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाए।
तो अब रैशनल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे कैसे, किसी भी रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर रख दो न्यूमरेटर में, और जो इधर न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में कर दो। प्लस साइन है तो हमें साइन एज इट इज़ रखना है, और माइनस साइन है तो माइनस रखना है। इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको समझ में आया हो तो हमारी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।